ई विद्यार्थी.in। चलिए अब बारी आती है हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज को पढ़ने की, ठीक है। इससे पहले सिंपल परमानेंट इश्यूज, एपिडर्मिस, सब कुछ हमने पढ़ लिया। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर प्लांट इश्यूज, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। जिस तरीके से हमने सिंपल टिश्यूज में पढ़ा था दैट दे कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, वन काइंड, ठीक है। बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इसलिए है बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। चलिए अब इसमें हमें दो टिश्यूज मेनली पढ़ने हैं, व्हाट आर दे, जाइलम एंड फ्लोएम। आई नो प्रोनाउंसिएशंस अजीब है बट बायोलॉजी में आप जितना भी पार्ट पढ़ेंगे मेनली आपको थोड़े से अलग प्रोनाउंसिएशंस मिलेंगे ही, बट नो वरीज, आपको यहाँ पर सिर्फ इसके फंक्शंस में और थोड़ा बहुत इसके लोकेशन में ध्यान देना है, बाकी इसके नाम को अगेन बार बार बोलना नहीं है, तो डोंट वरी। चलिए जाइलम एंड फ्लोएम, सबसे पहले क्या कहलाए जाते हैं, टुगेदर दे नोन एज वास्कुलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यूज। अब ऐसा क्यों है, कंडक्टिंग क्यों, कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि मेनली आपके प्लांट में जो भी कंडक्शन हो रहा है, ऊपर नीचे चीजें आ रही है, चल रही है, वो सब कुछ इन दोनों टिश्यूज की वजह से ही पॉसिबल है। जैसे कि हमारे सॉइल से रूट्स के द्वारा सॉइल, हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया, जितना भी चीजें अपसाइड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जाइलम के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब लीव्स तक वो पहुंचता है, वहां पर आपका फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, राइट। उसके बाद सभी प्लांट्स में ट्रांसफर करने का काम रहता है फ्लोएम का। सो दीज आर द टू टिश्यूज। नाउ इसे डिटेल में पढ़ने के लिए वॉच द नेक्स्ट वीडियोस आल्सो। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।